लगा दी जाए। अच्छा क्या घटना हुई तुम्हारे साथ कल? तुम्हारी गाड़ी में आग लगा दी, कौन लोग थे, क्या कारण था? पिछले 12 तारीख को रात में यहाँ पे 2 बजे के समथिंग, 1:30 बजे के समथिंग दो लोग आए संदिग्ध, पता नहीं था कहाँ के थे। तो वो हमारी बाहर कार खड़ी थी, उसके बाद वो लोग कुछ कर रहे थे, तो हम लोगों ने उन लोगों को टोका, तो वो लोग गाली गलौज लेके और वो करके वो चले, और वो आधे घंटे बाद दोबारा वो लोग आए स्कूटी से और उन्होंने यहाँ फायरिंग की, फ्लैग लगा के मतलब फायरिंग की और वो लोग यहाँ से चले। हम लोगों ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलाया, पुलिस आई रात में, पुलिस आने के बाद फिर हम लोगों ने इस बात को बात खत्म कर दी, कोई बात नहीं हुई। एंड देन उसके बाद परसों रात में 2 बजे के समथिंग यहाँ बाहर गाड़ी खड़ी थी और वो लोग आए और उन्होंने गाड़ी में आ गए। कितने लोगों की संख्या रही होगी उसमें? 3 से 4 लोगों की संख्या। कौन लोग थे ये? ये जो मुझे अभी पता चला है ये गोल्डी चौहान, अभिषेक चौहान और गोल्डी, और उसके साथ एक कोई देव करके कोई है और एक आरब कुशवाहा, 2-3 लोग। कहाँ के रहने वाले? ये आवास विकास के। पुलिस में कंप्लेन की आपने? हाँ पुलिस में कंप्लेन। क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने बोला है कि कड़ी से कड़ी मुकदमा। थाना कोतवाली के आवास विकास में एक अक्षय यादव रहते हैं, उनकी गाड़ी रात में 18:19 की रात में जला दी गई और जलाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। अक्षय यादव ने एक तहरीर थाने पे दी है कि अभिषेक चौहान से कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था और अभिषेक चौहान और उनके अन्य 3 साथियों ने यह घटना की है। इस आधार पर तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है और इसमें गहराई से विचारणा की जा रही है, गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिए गए। कोई गिरफ्तारी हो सकी तो अभी कल ही मुकदमा लिखा गया है, इसमें तत्परता से विधिक कार्रवाई हेतु SHO को बताया गया है और जो भी इसमें तहरीर आई उस आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।